अध्याय 11। फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे योहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने अचंभा किया, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, यह तो शैतान नाम दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और उन्हें उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट होती है वो राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वो नाश हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि ये शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालती है? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है, और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से
और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। जब वो ये बातें कर ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जब भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वो कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा यूनुस निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वो है जो यूनुस से भी बड़ा है। कोई मनुष्य दिया बार के तलघरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना, जो उजियाला तुझमें है वो अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब ये बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की, मेरे यहाँ भोजन कर। और वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी ने ये देखकर अचंभा किया कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियो, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांझते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेरा और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पौदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का दसवां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों को कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापको, तुम पर हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। सो तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों में सम्मत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी, वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे, ताकि
जितने भविष्यद्वक्ताओं का लोहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबील की हत्या से लेकर जकर्याह की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूं, उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब वो वहाँ से निकला तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वो बहुत सी बातों की चर्चा करे और उसकी घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े।